तो दोस्तों आज सुबह से मैं देख रहा हूँ फैंस बेसब्री से इंतजार में है कि भाई कल की प्रभास की मूवी कल की 1000 करोड़ के वो जादुई आंकड़े पे पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये जो दिन चल रहे हैं ना आज और कल से स्टार्ट है और कल तक बहुत क्रूशल है ये देखने के लिए कि कल की कौन से दिन 1000 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ती है। पहले तो देखो रिकॉर्ड तोड़ती है, फास्टेस्ट बनती है, कौन सी रैंकिंग में आती है, वो सब बात अभी करते हैं, मगर अच्छी चीज ये है कि 1000 करोड़ वाले सेगमेंट पे आ चुकी है। और क्योंकि मेकर्स अब 2-3 दिन के बाद पोस्टर्स निकाल रहे हैं तो डेली का अपडेट फैंस को मिल नहीं रहा है। लास्ट पोस्टर निकला था 900 करोड़ का, तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं शायद अभी मेरी वीडियो बनाते बनाते भी आधे घंटे में पोस्टर निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर फैंस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं कि डेटा कह क्या रहा है और कल की किस तरफ जा रही है और आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बताना। तो क्या है आपका हाल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल, क्विक एपिसोड ऑफ कल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो ऑलरेडी बहुत सारी बातें जिसके लिए चल रही है। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, एक तो 2-3 चीजें बताऊं मैं तुम्हें। 1000 करोड़ की अगर लिस्ट पकड़ने हम बैठे ना तो जो मूवीज जिन्होंने फास्टेस्ट 1000 करोड़ की है, अब यहां पे बात तो सारी वही चल रही है ना कि भाई फैंस को ये है कि 1000 करोड़ कर रही है, लेकिन अब रैंकिंग चाहिए कि कौन सी रैंकिंग पे कर रही है, फास्टेस्ट है कि नहीं है। तो भैया पहली बात तो ये है, अगर मैं 5-6 पिक्चरों का उठा लूं, पठान ने 27 दिनों में करे थे, जवान ने 18 दिनों में करे थे, बहुत बढ़िया। उसके बाद KGF का रिकॉर्ड है 16 दिन का, उसके बाद RRR का रिकॉर्ड है अगेन 16 दिन का, और बाहुबली का 10 दिन का। बाहुबली 2 जो थी वो नेक्स्ट लेवल है, उसको एक बार के लिए साइड करते हैं बिकॉज 10 दिन तो निकल भी चुके हैं। अब देखो आज कल की का डे कौन सा है, 15 डे, और जो दो रिकॉर्ड है RRR और KGF के वो है 16 के। तो यहां फंस गई ना, यहां हड्डी फंस चुकी है गले में, क्योंकि यहां पे फैंडम का देखो प्रोड्यूसर के पास आज 1000 करोड़ आ जाए कल 1000 करोड़ आ जाए डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट्स ऑल अबाउट डेटा, इट्स ऑल अबाउट रिकॉर्ड्स। एंड आई थिंक जो फैंस हैं और जो नंबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कल्कि का अनऑफिशियली सुनने में आ रहा है कि 1000 करोड़ आज हो चुके हैं, और नहीं हो चुके तो 9-10 बजे तक का जो डेटा है वो हो जाएंगे, मगर प्रोड्यूसर्स की तरफ से ऑफिशियल पोस्टर अभी नहीं निकला है। आज अगर 1000 करोड़ का पोस्टर निकल जाता है या आज का डेटा मान लो सुबह भी वो लिख देते हैं कि 15 डेज 1000 करोड़, तो कल की ऑफिशियली सेकंड नंबर पे आ जाएगी बीटिंग RRR एंड KGF एंड जवान। पठान को बीट कर चुकी है ऑलमोस्ट वर्ज है, जवान 18, KGF और RRR 16 दिन है, बाहुबली को नहीं बीट कर सकती, बट वो एक टॉप पोजिशन ले लेगी। ये एक बहुत बड़ी बात होगी, ये एक सेलिब्रेटरी टाइम होगा आई थिंक फैंस के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, या नंबर्स डू मैटर बहुत एक लिमिट तक करते हैं, बट करते हैं यार, रिकॉर्ड्स बनते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है जिन्होंने उसको सपोर्ट किया है, और अच्छा सिनेमा बना है तो नंबर्स बनने भी चाहिए, बिकॉज आज एक बेंचमार्क सेट होगा तो उसके बाद उसको तोड़ने के लिए किसी को इंस्पिरेशन मिलेगी और वो इस तरीके का सिनेमा बनाएगा जो फास्टेस्ट कर पाए। बहरहाल ये एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या कहता है कि भाई बॉक्स ऑफिस में कल की डे 15 पे इंडिया के अंदर क्या कर रही है भाई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल से भी हम भाग नहीं सकते। तो देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, 536 करोड़ पे कल तक कर लिए थे, 536.5 करोड़ पे कल तक थे, जिसमें से ग्रॉस जिसको अगर मैं करूं तो 638 करोड़ थे ग्रॉस, और जिसमें से केरला में 25 करोड़ पे ग्रॉस किया, कर्नाटक में 40 के आसपास किया, तमिलनाडु में 60 किया और 250 के करीब कुछ आंध्रा तेलंगाना में किया, बहुत अच्छा। यहां पे कल का जो कलेक्शन था वो 7.5 करोड़ था नेट इंडिया, जिसमें तेलुगु 1.8 और हिंदी 4.6। अब आज का जो कलेक्शन है 7 के आसपास आएगा, तो इंडिया नेट आप पकड़ लो 542 टूटेगा आज। सेकेंड वीकेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कल्कि के लिए, बिकॉज अगर हम एक साइड पे 1000 करोड़ की फिगर्स को अचीव कर रहे हैं विच इज अ सक्सेस इन इटसेल्फ, देयर इज नो अदर वो थिंग कि इसको बोलूं मैं कि नहीं कम है, 1000 करोड़ मतलब पिक्चर है सुपर हिट, मगर यहां पे इंडिया कलेक्शन जो है वो 600 पहुंचनी चाहिए, और उसके लिए इसको ये जो थर्ड वीकेंड है उस पर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा मेरा डिजायर है कि डबल डिजिट्स में ये इस वीकेंड में जाए, सैटरडे संडे 15 पकड़ ले तो बहुत बढ़िया है, 15-16 करोड़ अगर पकड़ ले तो यहां पे 600 करोड़ हमें हिंदी में नेट चाहिए और 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड चाहिए। अब 1000 के ऊपर 1100 आते हैं, 1200 आते हैं, अब धीरे धीरे आपको थोड़ा सा पेस स्लो नहीं दिखेगी कि इसकी जो पेस है वो स्लो होगी है, बट इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस अनलेस एंड अंटिल इट विल बी 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉसर, दैट इज अज अचीवमेंट इन इट सेल्फ। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू प्रभास, हिज फैंस,
हिज फैंस, मोर इम्पोर्टेंटली टीम, क्रिएटिव डायरेक्टर नाग अश्विन, प्रोड्यूसर जिन्होंने बैक किया ऐसा सिनेमा. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इज वन साइड, बट देन ऐसा सिनेमा बनाना इज ऑल टूगेदर अ डिफरेंट थिंग. और बाकी एक चीज मैं आपको और बता दूं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी कल की जो है अभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है जवान और पठान का. आई थिंक एक कोई मूवी है वो रह जाएगी, बाकी आई थिंक नॉर्थ अमेरिका में 17 मिलियन के आसपास का भी डेटा चल रहा है, तो वो भी ये फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आ जाएगी. नॉर्थ अमेरिका मींस यूएस और कनाडा. टेक केयर.